इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? रिस्की है, एक्साइटिंग है, मज़ेदार है और मज़ेदार है यार, बहुत मज़ेदार है। लाइव शो है, पहली बार हो रहा है यार, पहली बार होने पे हम लोग साथ हैं एंड हम लोग फर्स्ट टाइम ये कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। वैसे राघव, आप ये फर्स्ट टाइम ही कर रहे हो कि किसी सिंगिंग का आप शो होस्ट कर रहे हो, तो कैसा लग रहा था आज पहली बार? अच्छा लग रहा है यार, खुल गए हैं अब, और खुल गए हैं और खुलते रहेंगे। और कुछ कहना है? बहुत मज़ा आएगा लाइव को देखकर। लाइव को देखकर कहना है कि इतनी सारी नई चीज़ें तो है, टैलेंट के लिए बोल रहे हैं यार अब। हाँ, टैलेंट बहुत अच्छा है। आप देखिए, सिंगर्स बहुत बढ़िया आए हैं, बल्कि मुझे कहते रहते हैं देखिए कितना अच्छा है इसका ये, लेकिन मुझे सुनने में दिल को तक पहुंचा है गाना सबके। सो यस, आई लव लाइक, हर एक बार एक टैलेंट शो होता है ना, उसमें एक बड़ी कमाल की चीज़ ही होती है कि हम लोग ऑलरेडी ही इज़ बीन पार्ट ऑफ सो मेनी डांस शोज, आई बीन पार्ट ऑफ सिंगिंग शोज, हम लोग होस्ट भी कर चुके हैं, उसके बावजूद भी टैलेंट आके आपको सरप्राइज कर देता है। अरे यार, ऐसे लोग भी हैं इंडिया में, दैट इज़ आई थिंक सबसे खास बात होती है, इवन डांस। यस, और यहाँ पे जो आएंगे क्योंकि वो लाइव करें, उनको और ज़्यादा प्रिपेयर करना है, तो आई थिंक दैट इज़ गोइंग टू बी द डिफरेंट थिंग। और ये दीवार आ रही ऊपर से, ये तो ऑब्वियसली है ही अपना डिफरेंशिएटिंग फैक्टर, आ रही नीचे 40 सेकंड में, 50 सेकंड में। और कितना कुछ मजा देखने मिलेगा इन सब चीज़ों से? जैसे अभी होस्टिंग की बात करें तो कहीं ना कहीं आप अटक ही रहते हैं। अटकने में तो मज़ा है, जब तक ट्रेन हर जगह रुक के नहीं चलेगी तो पैसेंजर नीचे कैसे उतरेंगे, तो वही मेरी ट्रेन रुकते रुकते चलती ताकि सबको घर पहुँचा दे। ये क्या था यार, ये क्या था, मैंने इसलिए शो देखो सैटरडे संडे 9 बजे कलर्स पे, राइजिंग स्टार।